उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने आज मुरादाबाद में हाईवे पट्टी का दौरा कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुरादाबाद मंडल के रामपुर जनपद में सब ग्राम मंडल का शिलान्यास करने के बाद मुरादाबाद पहुंचे नंदगोपाल नंदी ने मुंडा पांडे थाना क्षेत्र स्थित हवाई पट्टी पहुंचकर निर्माण एजेंसी और अधिकारियों से मुलाकात कर प्रगति जानी। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मीडिया से बातचीत करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि मुरादाबाद हाईवे पट्टी के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने निर्माण एजेंसी को 10 दिन का वक्त दिया है और 10 दिन में हवाई पट्टी विमानों की उड़ान के लिए तैयार हो जाएगी। हालांकि उड्डयन मंत्री ने साफ कहा है कि मुरादाबाद से हाईवे उड़ानों का संचालन अभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही संभव हो पाएगा। प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए नंदगोपाल नंदी ने कहा कि सपा और बसपा वोट बैंक की राजनीति करती है और हवाई सेवाओं का मामला इनके लिए चुनाव के वक्त मुद्दा बनता था। कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। देखिए, उसमें मैक्सिमम सारे काम हो गए हैं, लगभग फिनिशिंग के काम बचे हुए थे। जो कार्यदायी संस्था है और जो उसके सभी जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि एक हफ्ते लगेंगे, एक हफ्ते में पूरे कर देंगे। फिर भी मैं जा कर के देख कर के आया चारों तरफ। मैंने 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर ये सारे काम ख़त्म हो जाए, तो ऐसा देख करके और जो अभी तक प्रगति है पूरा, मैंने मतलब पूरा जा करके देखा और घूमा, निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उड़ानें शुरू होने के लिए कई सारी फॉर्मेलिटी होती है, जैसे लाइसेंस लेना पड़ता है, AI की अभी इसमें गुणवत्ता की सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें हम लोग लाइनअप कर रखे हैं और पहले से ही उस पर जो फॉर्म या और सारी चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ने जिस दिन से सत्ता संभाली है, उस दिन से वर्षों से लंबित इस तरह के पड़े हुए सभी मामलों पर त्वरित निर्णय लेने का काम और एविएशन सेक्टर में जिस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में इस डिपार्टमेंट ने लंबी छलांग लगाई है। अब मैं बताऊं आपको, सेकंड बिडिंग हुई थी, पूरे देश में 25 एयरपोर्ट चयनित हुए तो 9 उत्तर प्रदेश के। तो इसी तरह से अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद आप देख ही रहे हैं, बरेली है, श्रावस्ती है, सोनभद्र मेवपुर है, ये सब जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट जो विरोधी पार्टियों के लिए केवल और केवल स्वप्न बाग दिखा करके जब चुनाव आते थे तो चुनाव के समय वो जिन्न की तरह बाहर आता था, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता था, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। ये लोगों को कभी इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहा कि हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे हों, रोडें अच्छी हों, हॉस्पिटल्स अच्छे हों। इनको केवल और केवल अपने राजनीति वोट बैंक के हिसाब से ही करते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस दायरे को लेकर के काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि मंडल मुख्यालय को राजधानी से जोड़ने के लिए कई सारे एयरपोर्ट हमने बनाए हैं। और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि कुशीनगर एयरपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अभी 24 तारीख को कुशीनगर एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चयनित हुआ है, घोषित हुआ है, और उस पर भी काफ़ी काम हो गया है और अब हम जल्दी से उसको भी बनाने जा रहे हैं।